नमस्कार, मैं अनु दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, ये संडे बाजार है जंगली घाट का। ये जंगली घाट का संडे बाजार, और इस वक्त सुबह के इस वक्त में 6 बजने वाले हैं, और लगभग बाजार जो है इस वक्त तैयार हो रहा है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ म्यूनिसिपल के जो वर्कर्स इस वक्त में यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आए हुए हैं शिकायत के चलते। हालांकि ये हर दिन आते, हर संडे बाजार में आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के जो काउंसिलर हैं वो फिशरमैन जो है उनकी गाड़ियों को आने जाने में यहाँ से एक्सेस के लिए दिक्कत होती है, जिसके कारण से इस रास्ते को क्लीन करवाने, साफ करवाने के लिए कहा गया है। और ऐसी शिकायत पे इस वक्त में इन लोग कार्रवाई करते हुए यहाँ खासकर एंट्रेंस में यहाँ से लोगों को हटा रहे हैं। और वहाँ उस और जो हम वो भी दिखाएंगे आपको, वहाँ पे रोड साइड में लोग बैठते हैं, जिसके कारण से शिकायत ये है कि 4-व्हीलर्स भी भीतर दाखिल हो जाते हैं, और जिसके कारण से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ की ठप हो जाती है। आम जनजीवन के लिए वो असुविधाएं पैदा करती है। और ठीक मेरे सामने ये जो सामने आप ये मैदान देख रहे हैं, जहाँ कभी क्वार्टर्स हुआ करती थी, ये म्यूनिसिपल ने जो अलॉट किया है वो भी हम दिखाएंगे भीतर दाखिल होकर, कि वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से अगर म्यूनिसिपल काउंसिल ये पूरे मैदान को अगर ठीक कर दे, सजा दे और बैठने की व्यवस्था कर दे, तो पूरे के पूरे मार्केट को इसके भीतर शिफ्ट किया जा सकता है, ना कि केवल कुछ लोगों को इसके भीतर शिफ्ट करना, बाकियों को बाहर रखना। और शिकायत ये भी है कि जिनको भीतर, इस मैदान के भीतर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उनके जो है बाजार में बिक्री जो है वो कम हो जाती है, और जो बाहर मौजूद रहते हैं रोड साइड पे, लोग बात जो क्रेता है, खरीदार है, वो वहाँ से खरीद कर चले जाते हैं और भीतर दाखिल नहीं होते हैं, कम लोग आते हैं। तो अगर पूरी तरीके से इस मैदान को सजा दिया जाए और ठीक कर दिया जाए, सीमेंटिंग, फेंसिंग व्यवस्थित रूप से किया जाए, और पूरे के पूरे मार्केट को, संडे बाजार को भीतर ही यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये शिकायतें दूर हो जाएंगी कि कोई हमारे यहाँ पे खरीदने को नहीं आता है, बाहर से ही खरीद के चले जाते हैं। हालांकि इसके कारण से कई और असुविधाएं हो रही है, वो ये है कि सामने आयुष हॉस्पिटल है उस, और वहां से एम्बुलेंस का प्रवेश करना भी मुश्किल पड़ जाता है, और एम्बुलेंस को आपातकाल में, इमरजेंसी में प्रेम नगर, दिलनीपुर घूम करके आना पड़ता है। तो हम चलिए वहां दिखाते हैं कि वहां पे क्या व्यवस्था भीतर की जा सकती है, जिसके कारण से लोगों को सुविधाएं हो और संडे बाजार जो है वो क्राउडेड और लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का जरिया ना बन जाए। चलिए हम उस और चलते हैं। ये देख सकते हैं इस वक्त ये रास्ता है जो जंगली घाट, दुर्गा मंडप सामने आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रास्ता जो है दोनों तरफ जो है ये बाजार लगता है, और इस वक्त भी जो लगा हुआ है, और उस और जंगली घाट जट्टी की ओर ये रास्ता पूरा दोनों तरफ जो है पूरी तरीके से, ये एक तरीके से संडे बाजार जो है इनके कब्जे में होता है। और यहाँ जो प्रपोज जो किया गया है, देखिए मार्केट का क्षेत्र, और क्यों मैं कह रहा था कि अगर म्यूनिसिपल काउंसिल इस पूरे भीतर के मार्केट को अगर साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से
अगर सजा दे जैसे अवमन होता है मार्केट, ये देख सकते हैं ये पूरा पूरा क्षेत्र है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन इनकी शिकायतें ये रहती है और ये जायज़ भी है उनकी बातें कि यहाँ पे जब बारिश का वक्त होता है ये पूरे कीचड़ से ये पूरा मैदान लबालब भरा हुआ होता है और जिसके कारण से लोग बाग जो हैं, जो कस्टमर हैं, वो इसके भीतर दाखिल नहीं होते हैं और बाहर कुछ लोग जो बैठे रहते हैं, जो बाज़ार लगाते हैं, वहीं से ख़रीदारी करके जो कस्टमर हैं वो लौट जाते हैं, तो इनको वो नुकसान पहुंचता है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल अगर चाहें तो इस पूरे क्षेत्र को, भीतर के इस मार्केट को व्यवस्थित तरीके से अगर सजा दिया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, फेंसिंग किया जाए और यहाँ मैदान को सीमेंटेड बना दिया जाए तो यहाँ पे वो मार्केट लग सकता है, पूरे के पूरे मार्केट को, बाज़ार को शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वहाँ पे रास्ते को सुचारू रूप से आवाजाही के लिए खोल दिया जाए और कोई दिक्कत किसी वाहन को ना हो और लोगों को ना हो जो अस्पताल जाने वाले हैं या जिनकी गाड़ियाँ जो हैं मछली की गाड़ियाँ जो निकलती है वो तथा जो जट्टी के कंस्ट्रक्शन के काम भीतर चल रहे हैं उनके लिए सुविधा हो जाए। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिख रहा है, विल पावर मजबूत करनी होगी और पॉजिटिव वे में म्यूनिसिपल काउंसिल को कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि ये मार्केट को जो है व्यवस्थित तरीके से किया जाए, इस पे कोई कामकाज। और अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट अगर पूरे के पूरे तौर पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ जो रास्ते में दोनों तरफ मार्केट लग रहा है इस वक्त में, वो साफ सुथरा हो जाएगा और रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगी और इमरजेंसी के तौर पे समय पे खासकर, और जब तक ये ना हो तब तक ट्रैफिक से, जो ट्रैफिक के अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनसे अनुरोध ये रहेगा कि जंगली घाट स्कूल का क्षेत्र और आइलैंड बेकरी का क्षेत्र, जो दो प्रवेश द्वार है मार्केट में प्रवेश करने के, वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जाए ताकि फोर व्हीलर्स जो है वो मार्केट में घुस ना पाए, गाड़ी बाहर पार्क किया जाए और वो मार्केटिंग करने आए। ऐसी व्यवस्था अगर ट्रैफिक के अधिकारी अगर इस वक्त में करते हैं तो शायद यहाँ पे बाज़ार जो हैं वो व्यवस्थित रूप से फिलहाल चल सकता है। और उम्मीद यही करेंगे कि म्यूनिसिपल काउंसिल इस ओर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे रोजी रोटी के लिए ही लोग यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं, बैठते हैं, चाहे वो फल के हों दुकानदार, सब्जी के दुकानदार हों, चाहे अन्य किसी और चीज़ों के। तो अगर ठीक ठाक और रास्ते को साफ सुथरा रखना है तो आपने प्रावधान रखा है मार्केट का, लेकिन इस मार्केट की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि आप यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट करते हैं तो चुनिंदा लोग शिफ्ट करते हैं जो इस वक्त में आप देख सकते हैं। तो इनकी शिकायतें दिन के आखिर में यही होती है कि हमारे बिजनेस जो हैं वो कम रहें और जो रास्ते के रास्ते में जो बैठे हुए हैं वहाँ पे आगे उनके बिजनेस जो हैं वो अच्छी रही। तो ऐसी शिकायतें ना आए, रोज़गार के जो सहूलियतें हैं और जो साधन है, रास्ता है, वो सबके लिए बराबर हो, बराबर रखी जाए और इसके चलते इस मैदान को, इस मार्केट प्लेस को ठीक ढंग से बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए और पूरे के पूरे मार्केट को इसके भीतर शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था बहुत जल्द होगी और ट्रैफिक
जो हमने कहा है ट्रैफिक में जो व्यवस्था करनी है बैरिकेड लगाने की, और खासकर बड़े वाहनों को, फोर व्हीलर्स को जो बैठ करके गाड़ी में बैठ करके मार्केट में दाखिल होते हैं मार्केटिंग करने के लिए, उन पे रोक लगाया जाए चंद दिनों के लिए, जब तक कि यहाँ पे मार्केट भीतर मार्केट के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था ना की जाए। हम उम्मीद करेंगे इस पे कोई कार्रवाई होगी और म्यूनिसिपल काउंसिल इस पे गौर करेंगे, अधिकारी गौर करेंगे और जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।